सब्जेक्ट होता है अगर आपने फर्स्ट ईयर में जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा जैसे कि डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह, तो अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या होता है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो हम बहुत लो पावर डिवाइसेस यूज करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जैसे अगर आप LED वगैरह ही देखते हैं कितने, या आप जितने भी बैटरी चार्जर वगैरह देखते हैं आप मिनिमम देखते होंगे 5 to 6 volt में वो सारे वर्क करते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस की बात करते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल में आते हैं तो अगर आप उसी स्विच को किसी बैटरी में लगा रहे हैं है ना, या LED में लगा रहे हैं, तो सोचिए वो जो स्विच होगा उसको कोई भी बहुत ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल की बात आती है तो यहाँ पे हम हाई पावर की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है जितनी ज्यादा हाई पावर डिवाइस को अपडेट कर पा रहे हैं, जितने ज्यादा ज्यादा हाई पावर के साथ टॉलरेट कर पा रहे हैं उतनी ज्यादा आप एडवांस सर्किट को बना सकते हैं। तो जब हम जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज या जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो अगर हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करना होता है तो हमें उसके पावर लेवल को इंक्रीज करना होता है। तो यहाँ पे हम पावर लेवल को कैसे इंक्रीज करते हैं, कौन कौन सी जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे अगर आपने डायोड पढ़ा है तो आप उसके पैरेलल में ऐसी कौन सी डिवाइस है आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज कर सकते हैं जो आपके उस हाई पावर स्विच को कंट्रोल कर सके। जैसे मोटर जनरेटर के साथ भी तो आपको स्विच लगाना ही पड़ता है ना, वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं DC सप्लाई देना पड़ रहा है तो आपको रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। तो इस वजह से हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसीलिए क्योंकि इंडस्ट्री का मतलब ये है कि वहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा सिस्टम्स ऐसे होंगे जिनको आप बहुत हाई पावर सप्लाई वगैरह देंगे जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो ये सारा ये सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू SCR, तो SCR का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो अभी इसके पहले हम कुछ इसके बेसिक्स को पढ़ेंगे फिर हम SCR पे आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं डायोड। देखिए जो डायोड होता है अगर इसके बारे में आपने पढ़ा हो तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, फर्स्टली तो एक स्विच की तरह वर्क करता है। स्विच का मतलब क्या होता है, ऑन या ऑफ करने की कंडीशन में। ठीक, इसका जो सेकंड एप्लीकेशन होता है वो होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब होता है AC को DC में कन्वर्ट करना, AC अल्टरनेट सप्लाई को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। ठीक, तो ये होता है डायोड का फंक्शन। अब अगर हम डायोड के सिंबल की बात करते हैं तो ये आपके डायोड का सिंबल होता है। ठीक, तो डायोड के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि एक तो ये स्विच कवर करेगा, दूसरा ये रेक्टिफिकेशन कवर करेगा। लेकिन अगर हम इसके वर्किंग की बात करते हैं, ये तो सिंपली इसका इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम आते हैं इसके वर्किंग पे। तो वर्किंग पे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इसमें एक आपने पी टाइप पढ़ा होगा और दूसरा एन टाइप पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर के टाइप। जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, कोई भी मेटल या इंसुलेटर के बीच की डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं कोई भी सप्लाई देकर है, पहले तो बेसिकली वो इंसुलेटर होता है लेकिन उसमें हम जब डोपिंग करते हैं मतलब कुछ ऐसे मेटल्स को ऐड कर देते हैं जो करंट को फ्लो कराने की प्रॉपर्टी रखते हो, तो वो क्या बन जाता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में भी दो टाइप के होते हैं, पी टाइप होता है एन टाइप होता है। डोपिंग का मतलब होता है जब हम ट्राई वैलेंट करते हैं। ट्राई वैलेंट का मतलब
का एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो इसके पास एक्सेस मात्रा है और इसके पास क्या है, कमी है। तो इस तरीके से हम पी टाइप और एन टाइप को डिफाइन करते हैं। पी टाइप एन टाइप को समझना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि डायोड बनाने के लिए हम पी टाइप का भी यूज करते हैं और एन टाइप का, क्योंकि जब ये पी टाइप की बात आती है तो इसी को हम डिफाइन करते हैं होल, और जो पेंटावैलेंट या एन टाइप की बात करते हैं इसी को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्योंकि आपको डायोड बनाने के लिए होल भी चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, तो होल हम कहाँ से ले आएंगे, पी टाइप से, और हम इलेक्ट्रॉन कहाँ ले आएंगे, एन टाइप से। तो इसलिए हम दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर को यहाँ पे हमने देखा। अब हम बनाएंगे डायोड। देखिए डायोड बनाने के लिए एक क्या है, हमने ले लिया सबसे पहले पी टाइप, ठीक है, और दूसरा लिया हमने एन टाइप। अब हमने पी और एन टाइप को यहाँ पे जोड़ दिया और ये बीच में दोनों के बैरियर है जो पी और एन को अलग कर रहा है। अब पी टाइप का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि इसको एक चाहिए तो इसको हम बोलते हैं एनोड और इसको हमने बोला कैथोड। ठीक है, तो पी टाइप में क्या होता है, होल होते हैं मेजोरिटी में और कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब देखिए जब हमने ये एक कंस्ट्रक्शन बना लिया, तो अगर हम यहाँ पे बैटरी को यूज करते हैं, सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं, तो आपको पता है जब भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो होल के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो जो होल और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन यहाँ पे मतलब समझा जाता है कि सर्किट में करंट का फ्लो होना, मतलब चार्ज कैरियर का, अगर आप करंट की डिफिनीशन पढ़ेंगे तो चार्ज कैरियर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना वही क्या होता है, करंट होता है। तो अगर यहाँ पे जो चार्ज कैरियर है वो एक दूसरे की तरफ क्या करें, मूव कर रहे हैं, इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो होने लगती है। तो ये है आपके नॉर्मल डायोड की कंडीशन जो आपने पढ़ा दी होगा, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या बात करना है, पावर डायोड की, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जब हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें हाई पावर सर्किट में किसी डायोड को यूज करना है, और आपको पता है जो ये सारे डायोड होते हैं ये बहुत ही कम रेटिंग के होते हैं, जो ना तो बहुत ज्यादा करंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकते हैं। तो इसलिए अब हम आएंगे पावर डायोड के बारे में, और आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि जो नॉर्मल डायोड होता है और जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाला पावर डायोड होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं पावर डायोड। यही से जो आपका ये सब्जेक्ट है पावर डायोड से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने थोड़ा सा आपको डायोड का इंट्रोडक्शन दिया ताकि आप डिफरेंस समझ पाए। देखिए जब हम पावर डायोड बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक n माइनस लेयर लेते हैं, n माइनस, और दूसरी क्या लेते हैं, n प्लस। ठीक, मतलब जो आपको हमने n टाइप बताया, तो n टाइप का मतलब हमने बताया क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको करेंट ज्यादा चाहिए है ना, अगर आपको किसी सर्किट में ज्यादा नंबर ऑफ करंट की रेटिंग बढ़ानी है, तो उसका मतलब वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितना ही इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करेगा जितनी तेजी से करंट जो होगा उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो हमने एक एन माइनस लिया और एक एन प्लस लिया। देखिए जो एन माइनस का मतलब होता है, जब आपको आपने डायोड पढ़ा होगा तो एक यहाँ पे आपने रिवर्स, एक तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन होती है जो हमने बताया था, एक रिवर्स बायस की कंडीशन होती है। रिवर्स बायस का मतलब जो बैटरी की पोलरिटी है हमने यहाँ पर क्या कर दी, चेंज कर दी। मतलब अगर यहाँ पे आपका एनोड है और कैथोड है, तो एनोड को हमने क्या दे दिया, निगेटिव सप्लाई दे दिया, और जो कैथोड है उसको हमने पॉजिटिव सप्लाई दे दिया। तो जो आपका डायोड होता है ये रिवर्स बायस में हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे होल है, होल का मतलब पॉजिटिव है, और हमने अगर यहाँ पे निगेटिव सप्लाई दे दी तो इस इलेक्ट्रॉन इसको इधर तो खींचेगा, लेकिन ये फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन जो बैटरी का फोर्स है ज्यादा है तो ये सारे फोर्स को इधर खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसको बैरियर बोलते हैं, इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो करंट आपकी फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस रिवर्स बायस की कंडीशन जब होती है तो यहाँ पे इसको हम ब्रेकडाउन बोलते हैं।
बिलोंग हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एन माइनस जो सब्सट्रेट लिया है, यही जो आप गैप देख रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल डायोड होता है ये रिवर्स बायस में हम कभी भी इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ब्रेक डाउन जो होता है बहुत जल्दी होता है। लेकिन जब हम हाई पावर डिवाइस यूज कर रहे हैं, अगर उसमें इतनी जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा तो जो आपकी डिवाइस है बहुत जल्दी अचानक से जल जाएगी और आप कभी भी डायोड को रिवर्स बायस में यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर तुरंत से सर्किट जो होती है आपकी ऑटोमेटिक ऑफ हो गई अचानक से, तो पूरी जो सर्किट होती है बर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ब्रेक डाउन है उसमें कुछ टाइम को गैप कराना है, मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज को बढ़ाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक एन माइनस सब्सट्रेट भी लेते हैं जो कि इस बैरियर को बढ़ाता है। ठीक, अब यहाँ पे हमको पहले ये आपका कैथोड तो मिल गया, क्योंकि एन टाइप की तरफ क्या होता है कैथोड। अब हमको बनाना है क्या एनोड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पी प्लस डोपिंग करेंगे। यहाँ पे प्लस का मतलब है यहाँ पे हमने डोपिंग हाईली कर रखी है, मतलब जो डोपिंग की मात्रा है वो हमने बढ़ा दी है। जो नॉर्मल होता है वो 1:10^6 की डोपिंग होती है नॉर्मली डायोड में, मतलब अगर आपके 10^6 एलिमेंट है तो वहाँ पे हम एक एलिमेंट डोपिंग का डालते हैं, लेकिन हाईली डोपिंग का 1:10^3 होता है, मतलब 3 एलिमेंट में आपको एक बार डालना है इसका डोपिंग का। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक आपने कंस्ट्रक्शन से पहले ही आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि वहाँ पे हमने सिंपली P और N लिया था और यहाँ पे हमने क्या बनाया P प्लस N माइनस और N प्लस। तो इसका मतलब पावर डायोड में एक तो हमने लेयर्स की संख्या बढ़ा दी, यहाँ पे 3 लेयर हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा जब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है होल है और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब यहाँ पे आप देखेंगे रिकॉम्बिनेशन, तो पहले आपका जो इलेक्ट्रॉन ये माइनस है उसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो एन माइनस है, एन माइनस का मतलब इसने इस बैरियर को क्या किया है बढ़ा दिया है, तो जो आपके जो चार्ज कैरियर होंगे वो बहुत तेजी से यहाँ पे इसकी तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, जिससे ये बैरियर क्या होगा बढ़ जाएगा। तो जो करेंट होती है यहाँ पे जब बहुत ज्यादा आप देखेंगे, जैसे कि ये जो होता है 0.7 वोल्ट, जो सिलिकॉन होता है इसका जो रेटिंग वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट होता है, मतलब इस वोल्टेज पे आते आते आपके जो डिवाइस होता है कम्प्लीटली ऑन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कुछ टाइम होता है, क्योंकि हमें जो करेंट है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ानी है, तो इसलिए हम क्या करते हैं धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। और जब एक बार यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है तो जो चार्ज कैरियर होते हैं बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं, जब वो बहुत तेजी से मूव करते हैं तो जो करेंट होती है इसमें लीनियर फ्लो होने लगती है। तो दो डिफरेंस हमको मिला, एक तो आपको लेयर डायग्राम्स देखा, दूसरा इसमें जो करेंट होती है वो